नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम सब पाठ दो पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि वह क्या है। देखिए बच्चों, क्या है ये? बहुत अच्छे, यह एक गुड़िया है। पर ये गुड़िया इतने तैयार क्यों है? क्योंकि इसकी शादी हो रही है। तो आज हम सब जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है गुड़िया रानी की शादी। बच्चों यह बताओ कि क्या आप सब ने भी कभी गुड्डा और गुड़िया की शादी रचाई है? बहुत अच्छे, रचाई होगी। तो बताओ कि किस दिन गुड्डा और गुड़िया की शादी रचाई जाती है? अक्ती के दिन। इस दिन को हम त्योहार के रूप में भी मनाते हैं, जिसे अक्ती त्योहार या अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो इस पाठ में भी दो सहेलियां रहती हैं जो अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी कर रही हैं। तो क्या आप सब पढ़ना चाहेंगे? आप सब जानना चाहेंगे कि वे अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी कैसे करती हैं? आओ पढ़ते हैं। इस पाठ में शब्दों के स्थान पे कुछ चित्र दिए हैं, उन शब्दों के अर्थ हम वाक्य के अनुसार पढ़ेंगे। चंपा और मंजू दो सहेलियां थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पर दो लड़कियों के चित्र हैं, पर यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों सहेलियाँ थीं, तो हमने कैसे जाना? क्योंकि इस वाक्य में लिखा है दोनों में गहरी मित्रता थी। तो मित्रता किनके बीच होती है? दो दोस्तों के बीच या सहेलियों के बीच? तो इस चित्र में दो लड़कियाँ दी हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि दोनों सहेलियां हैं। चंपा के पास किसका चित्र है? ये गुड़िया का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चंपा के पास गुड़िया थी, या हम यहाँ यह पढ़ सकते हैं कि चंपा के पास गुड़िया थी। मंजू के पास किसका चित्र है? ये गुड्डा का। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को, किसका चित्र है बच्चों? ये बहुत अच्छे, बगीचे का। दोनों रोज शाम को, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? बगीचे में खेलती थी उनके। अब हम इस चित्र को क्या पढ़ सकते हैं, या हम इस चित्र को क्या पढ़ेंगे? घर। बहुत अच्छे, उनके घर भी पास पास थे। ये किसका चित्र है बच्चों? बहुत बढ़िया, स्कूल का। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस चित्र को हम क्या पढ़ सकते हैं? स्कूल। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले ही दिन से वे शादी की तैयारी में जुट गए। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया के लिए लहंगा और दुपट्टा तैयार किया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा के लिए कुर्ता और किसका चित्र है बच्चों? ये बहुत अच्छे, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं चित्र को? टोपी। तो गुड्डे के लिए टोपी तैयार कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मंजू की माँ ने गुड्डे के लिए कुर्ता और पगड़ी तैयार की। सभी मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया।
शादी के दिन सूरज की माने फूलों की दो, किसका चित्र है बच्चों ये? या हम इस चित्र की जगह क्या पढ़ सकते हैं? माला। सूरज की माने शादी के दिन फूलों की दो माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से क्या क्या लाए बच्चों? किसका किसका चित्र है ये? इस चित्र की जगह हम क्या पढ़ सकते हैं? लड्डू और जलेबी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने, देखिए किसका चित्र है ये? यह हम क्या पढ़ सकते हैं इस चित्र की जगह? ढोलक या ढोल। रामू काका ने ढोल बजाया। और चंपा मंजू ने बधाई गई। इस तरह गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई। अच्छा बच्चों, आप सब अब इस चित्र का अर्थ समझ चुके होंगे, तो अब हम इसको एक बार फिर से चित्रों के साथ पढ़ते हैं। चंपा और मंजू दो सहेलियां थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया के लिए लहंगा और दुपट्टा तैयार किया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा के लिए कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की दो माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोल बजाया और चंपा मंजू ने बधाई गाई। इस तरह गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई। तो बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा पढ़ के? तो बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा उससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, आपको मुझे उसके उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। रोज शाम को बगीचे में कौन कौन खेलती थी? देखिए बच्चों, चंपा और सूरज, मंजू और राजू, चंपा और मंजू या मंजू और सूरज। तो बताओ बच्चों, कौन सा सही जवाब है? चंपा और मंजू। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। भैया मिठाई की दुकान से क्या लेकर आए? जलेबी और लड्डू, पेड़ा और लड्डू, जलेबी और गुलाब जामुन या रसगुल्ला और लड्डू। बताइए बच्चों, भैया क्या लेके आए थे? बहुत अच्छे, जलेबी और लड्डू। तो हम सही का निशान किस पे लगाएंगे? जलेबी और लड्डू पर। तो आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। चंपा की माँ ने किसके लिए लहंगा और दुपट्टा बनाया? मंजू के लिए, गुड़िया के लिए, चंपा के लिए या गुड्डा के लिए? तो आपको पता है ना किसके लिए बनाया था? बहुत अच्छे,
गुड़िया के लिए। तो सही का निशान हम किस पर लगाएंगे? गुड़िया के लिए। आइए बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजू की माँ ने गुड्डा के लिए क्या तैयार किया? कुर्ता, लहंगा, शर्ट या दुपट्टा? तो बताइए बच्चों क्या तैयार किया था। बहुत अच्छे, मंजू की माँ ने गुड्डे के लिए कुर्ता तैयार किया था। इसी तरह हम एक और प्रश्न देखते हैं। किस त्योहार में गुड्डा और गुड़िये की शादी की जाती है? दीपावली, होली, अक्ती या हरियाली? आपको पता है ना किस दिन की जाती है गुड्डा गुड़िया की शादी? हाँ, किस दिन? अक्ती के दिन। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए बच्चों अब एक और प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी बनाओ। इसमें एक तरफ एक कुछ शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ कुछ शब्द दिए हैं। आपको इन शब्दों को उनके सही शब्दों के साथ मिलाना है। सूरज की माँ, रामू काका, पंडित, चंपा। और दूसरी तरफ है शादी, गुड़िया, ढोलक या ढोल, माला। सूरज की माँ, माला, रामू काका, ढोल, पंडित, शादी, चंपा, गुड़िया। बहुत अच्छे बच्चों। अब हम सब एक और प्रश्न देखते हैं। चित्र देखकर नाम बताओ। देखिए बच्चों किसका चित्र है ये? बहुत अच्छे, ये चित्र है कुर्ता का। ऐसे ही ये चित्र किसका है? बहुत बढ़िया, ये चित्र लहंगा का है। अब बताओ ये चित्र किसका है? बहुत अच्छे, ढोलक या ढोल। ये चित्र किसका है? गुड़िया का। बहुत अच्छे बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें कुछ नए शब्द हैं जिनके अर्थ या शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। गहरी मतलब पक्की, मित्रता दोस्ती, तय करना निश्चित करना, मदद सहायता, बधाई गाना, शादी के गीत गाना। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देती हूँ जिसे आपको घर पे करना है। प्रश्न पहला, अपने तीन सहेलियों या मित्रों के नाम लिखो। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपने घर के पुराने कपड़ों से गुड़िया गुड्डा बनाओ। अगली क्लास में मिलते हैं।